नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक सिंपल आयुर्वेदिक क्लेंजिंग कैसे आपके सोराइसिस के लक्षण को कम कर सकता है? आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आयुर्वेदिक तरीके से की गई सफाई सोराइसिस के रोगियों के लिए नया आशा का द्वार खोल सकती है। तो चलिए इस अनोखे और प्रभावशाली उपाय पर एक नजर डालते हैं। मैं हूं डॉक्टर सम्यक धवन, कंसल्टेंट एट कायाकल्प ग्लोबल। आज हम सोराइसिस रोगियों के लिए आयुर्वेदिक सफाई के इम्पोर्टेंस और इसके फायदे पर चर्चा करेंगे, जो उनकी सोराइसिस के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ में भी सुधार लाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, आइए समझते हैं, इस आसान भाषा में बात करते हैं। सोराइसिस एक प्रकार का ऑटो इम्यून रोग है, जहाँ शरीर में टॉक्सिन्स की अधिकता होने की वजह से इन्फ्लेमेशन और स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आयुर्वेदिक क्लेंजिंग यानी कि डिटॉक्स इन टॉक्सिन्स को निकालने का एक इफेक्टिव तरीका है। आयुर्वेदिक क्लेंजिंग यानी पंचकर्मा एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। इसका मेन गोल होता है बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करना, यानी शरीर को डिटॉक्सीफाई करना। ये कैसे करता है, चलिए समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले वामन, इस प्रोसेस में स्पेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर का यूज करके वॉमिटिंग इंड्यूस की जाती है। इससे पेट और अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है विरेचन, यहाँ पर नेचुरल परगेटिव सब्सटेंसेस का यूज होता है। इससे लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लीन होता है और टॉक्सिन आसानी से बॉवल मूवमेंट के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। देन बस्ती, ये बेसिकली हर्बल एनिमाज होते हैं, डिफरेंट टाइप के हर्बल ऑयल्स या डिकॉक्शंस का यूज करते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन्स और कोलोन को क्लेंस किया जाता है। देन फोर्थ है आपका नस्या, इसमें नेजल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, नोज के थ्रू हर्बल ऑयल्स या पाउडर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लेंस होता है और साइनस रिलेटेड इश्यूज को भी रिलीफ किया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका रक्त मोक्ष, रक्त मोक्ष का मतलब है ब्लड प्योरिफिकेशन। इस प्रोसेस में डिफरेंट मेथड्स से ब्लड को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, जो ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर सोराइसिस के लिए आयुर्वेदिक क्लेंजिंग के क्या फायदे हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं। नंबर वन गाइस, टॉक्सिन्स को हटाने से इन्फ्लेमेशन में कमी आती है, हम सब जानते हैं राइट, जो हम सोराइसिस के लक्षण को कंट्रोल करता है। ठीक है, शरीर का पीएच संतुलन सुधारता है और जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, पंचकर्मा से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, जो भविष्य के स्किन प्रॉब्लम्स को कम करता है, यानी कि आपके सोराइसिस के फ्लेयरअप्स को कम कर सकता है। गाइस, अगर यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार मैं इस वीडियो पर पंचकर्मा का रोल क्या है सोराइसिस ट्रीटमेंट में, ये आपके लिए लेके आया हूँ। एज एन MBBS डॉक्टर टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदा, आई थिंक इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन ही भविष्य है मॉडर्न मेडिसिन का, जहाँ पे कि एलोपैथी के डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक के डॉक्टर साथ में मिलके पेशेंट को एनालाइज करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को समझते हैं और उनको एक होलिस्टिक अप्रोच देते हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर पंचकर्मा के बारे में बात करना, हम एज अ कंट्री एडवांस कर रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत डिटेल्ड में इन चीज़ों के बारे में हम बात करने लगे। वीडियो में आगे बात करते हैं कि सोराइसिस डिटॉक्स के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और आहार में क्या शामिल करें। गाइस, आयुर्वेद में सोराइसिस डिटॉक्स के लिए नीम, जो कि ब्लड को साफ करने के लिए, देन हल्दी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, देन आपका आंवला जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ डाइट में अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं, फ्रूट्स ऐड करते हैं, होल ग्रेन्स को इंक्लूड करते हैं, तो ये आपके जो है और प्रोसेस फूड्स को आप अगर हटा देते हैं, तो स्किन हेल्थ में सुधार और इन्फ्लेमेशन को कम करने में 100% आपको मदद मिल सकती है। आगे अगर मैं आपके लिए बात करूं कि सोराइसिस के मरीजों के लिए आयुर्वेदिक डिटॉक्स की ऐसी टिप्स मैं आपको दूं, जिससे कि आप घर बैठे बैठे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो है, देखिए, सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू मिलाकर आप उसको पिए। ठीक है, विटामिन सी का आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि आपकी स्किन हेल्थ इंप्रूव होगी, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प होगा। सेकेंडली, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप आयुर्वेदिक हर्बल टी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था अश्वगंधा टी के बारे में, अश्वगंधा टी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्ट्रेस रिडक्शन का एक बेनिफिट उठाने को मिलेगा। थर्डली, आप अपने डाइट में डिटॉक्सिफाइंग फूड्स जैसे कि हरी सब्जियाँ, फल और हल्दी का, इस हल्दी ज़रूर शामिल करें। एक टिप जो आप फिले में देना चाहूँगा वो ये है कि आप रात को सोने से पहले मेरी तरह एक वार्म मिल्क में दूध को गर्म करके एक ग्लास में,
3 ग्राम हल्दी जरूर डालें और उसको आप रात को सोने से पहले पिए। वो एक तो आपको गर्म दूध पीने से नींद भी अच्छी आएगी, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, एंड देन आपको जो हल्दी आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे आपको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का भी बेनिफिट आने को मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं सोराइसिस एक इंफ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें हमारी खुद के ऑटो इम्यूनिटी, खुद के हमारे सोल्जर सेल्स जो हैं, खुद की जो हमारी इम्यूनिटी है जाके हमारे स्किन सेल्स पे, त्वचा की कोशिकाओं पे हमला कर रही है, जिसकी वजह से उनकी बढ़ने की स्पीड जो है वो तेज़ हो गई है, मल्टीप्लिकेशन की, रिप्रोडक्शन की जो स्पीड है वो तेज़ हो गई। तो इस ऑटो इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए हमें एंटी इम्यून मॉड्यूलेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स को कंज्यूम करना है। इसलिए मैंने आपको बताया हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। हल्दी के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जो आई थिंक आपको चेकआउट करनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिए गाइस। वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी आपको पंचकर्मा के बारे में, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको हल्दी और इन सभी फूड आइटम्स के बारे में, जो टिप्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी, जहाँ पे एक MBBS डॉक्टर आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहा है पहली बार, तो लाइक ज़रूर करें हमें इनकरेज करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आपकी माइंड में आता है तो आपको कॉमेंट सेक्शन में डालने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।